السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاذرين الله تعالى نفرمايا كل نفس ذائقة الموت हर नफ़्स को मौत का मज़ा ज़रूर चखना है हर नफ़्स को मौत ज़रूर आएगी अना मा तक मौत, तुम जहाँ भी रहो तुम्हें मौत ज़रूर आनी है तुम मरोगे ज़रूर बड़े अफसोस के साथ हमारे अपने उम्मत मुसलिमा के कई घरानों में बहुत से लोगों का इंतकाल इस मर्ज़ कोविड 19 की वजह से हो गया है जो अब आम तौर पे फैली है जिसके कई लोग शिकार हैं और जिसकी वजह से बहुत सी जानें भी ज़ाय हुई हैं हो रही हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्म मुस्लिमा के अफराद की हिफाजत फरमाए बीमारों को शफा नसीब फ़रमाए मुजहद्रीन ये जो वबा फैली हुई है वबाओं के तल्ल से शरीयत में जो अहकाम मिलते हैं जिसको कराम ने बयान किया है ज़िक्र किया है लिखा है कि अगर ऐसी वबाओं में जो ताउन जैसी वबाएँ होती हैं किसी का इंतकाल हो जाए वो मुसलमान हो ममिन हो साबिर हो महतसब हो तो वो वबा उसके लिए शहादत का ज़रिया बनती है अनस अनसबिन मालिक रजी ताला की रिवायत है बुखारी मुस्लिम ने उसको बयान किया शहादतुल मुस्लिम ताउन एक फैलने वाली वबा और बीमारी थी जैसे कोविड नाइन्टीन एक फैलने वाली वबा और बीमारी कहा जा रहा है तो मजह साजरीन ताउन के ताल्लुक से नबी करीम सलासम ने कहा फरमाया कि हर मुसलमान के हक़ में ताउन ये शहादत का मकाम रखती है शहादत का दर्जा रखती है तो ये कोविड नाइन्टीन कोरोना की बीमारी अगरचे कि ये ताउन नहीं है लेकिन किराम के मुख्तलिफ़ फ़तवा और बयानात हैं जिससे बात खुल के सामने आती है कि ताउन जैसी कोई भी वबा अगर किसी मुआशरे में फैल जाए जिससे लोगों की जान भी ज़ाये हो रही हों तो वह ताउन के हुक्म में इस एतबार से आती है कि कोई मुसलमान बंदा उसमें फौत हो जाए तो इन अल्लाह से उम्मीद है कि वो अल्लाह के नज़दीक शहीद शुमार किया जाएगा जैसे नबी करीमरासलाम ने फरमायालमतरून शहीद जो ताउन से मर जाए वह शहीद होता है और मोहसिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर एक की मौत मुकर्रा वक्त पर तय कर रखी है हर एक को उसी वक्त पे मरना है ऐसा नहीं होता कि बीमारी की वजह से कोई वक्त से पहले मर गया हो किसी का इंतकाल चालीस पैंतालीस में हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह साठ से पहले मर गया वक्त से पहले उसकी मौत हो गई नहीं अल्लाह ताला ने उसकी वही उम्र रखी थी उतनी ही उम्र रखी थी अपने वक्त पे वो मरा है फरमाया जब किसी जाने का वक्त आ जाए तो उसमें नहीं करते हैं उन तमाम घरानों से यही कहूंगा उन तमाम लोगों से यही कहूंगा कि जिनके वाल का जिनकी वालदा का जिनके शोहरों का जिनकी बीवियों का जिनके बच्चों का भाइयों का इंतकाल हो गया है कि ये अल्लाह ने उनके वक्त पे उनकी मौत रखी यही वक्त अल्लाह ने उनको दिया था इतनी ही उम्र अल्लाह ने उनको अता की थी आप सब्र से काम लें आप सब्र से काम लें परेशान ना हो और अगर आपका मई आपके घर जिसका इंतकाल हुआ है अगर वो शख्स इंशाला नेक हो कलिमा गो मुसलम कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान हो इन उसके हक में Allah से दुआ करें कि बतौर शहादत अल्लाह उसको नसीब करे बतौर शहीद अल्लाह उसे कबूल करे यह क्या खुशनसीबी होगी कि अल्लाह किसी को शहीद का मर्तबा नसीब कर दे आपके लिए खुशी की बात है यकीन अफसोस है तकलीफ है हम आपकी तकलीफ में शामिल हैं आपके हक में दुआबों हैं कि अल्लाह घर से जिसको उठाया है उसका बेहतर बदला अल्लाह आपको अता करे लेकिन वहीं पर ये खैर की उम्मीद भी आपको दिलाते हैं कि ये इंशा अल्लाह त आपके इसमीत के हक में शहादत साबित हो अल्लाह ताला उसकी शहादत को कबूल करे और जैसा कि अफवाहें हैं पता नहीं हकीकत किस हद तक इसमें है बहुत से ऑडियोज भी फैले हैं कि लोगों को मारा जा रहा है लोगों को खत्म किया जा रहा है अगर ये चीज अल्लाह न करे शामिल हो तो कोई मखतूल हो दूसरों के हाथे न कत्ल किया गया हो तो ये भी एक शहादत है इन शल्ला ताली ये भी एक किस्म की शहादत है तो मजह साजरीन अब अल्लाह ताली पर यकीन रखें कि जिस शख्स का आपके घर से इंतकाल हुआ है अल्लाह ताली उससे बेहतर आपको अता करे अल्लाह से पूरे यकीन के साथ आप दुआ करें अल्लाह ताली आपको उसका बेहतरीन बदला अता करेगा आपको सब्र से काम लेना चाहिए सब्र से काम लें बेसब्री के ना शुक्री के अल्फाज अपनी ज़बान पे न निकालें बल्कि आप अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मैय की मखफरत फरमाए उन्हें जन्नत नसीब फरमाए उन्हें शहादत नसीब फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सब्र सब्रसकून नसीब फरमाए अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं इंसाफ भरे होते हैं अल्लाह ताली को पूरा पता है कि अगर किसी शोहर का इंतकाल हो जाए बीवी की हालत अल्लाह ताला के सामने है, छोटे छोटे बच्चे हैं जरूर लेकिन अल्लाह उनके साथ है अल्लाह को पता है कि किसे कब उठाना है किसे कब मौत आनी है अल्लाह के पास इंसाफ होता है अल्लाह के पास जुल्म नहीं होता इन अल्लाह ला अल्लाह ताला जर्रा बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करते हैं किसी का इंतकाल हो जाना ये किसी पर जुल्म नहीं है ये अल्लाह का इंसाफ भरा फैसला है अल्लाह ने इंसाफ के साथ मामला उसके साथ किया है आप सब्र से काम लें सवाब की अल्लाह ताला से उम्मीद रखें बहुत ज्यादा अगर तकलीफ आपको हुई हो आपका सहारा टूट गया हो आपका कमा कर देने वाला चला गया हो आपका सबसे महबूब इंतकाल कर गया हो आप पर बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो तो नबी करीम वसलाम की इस हदीस को आप ज़रा जहन में रखें जिसमें नबी करीम वसलाम ने फरमाया कि जब किसी को कोई मुसीबत पहुँचे बहुत बड़ी मुसीबत हो तो वो मेरी मौत को याद कर ले मेरी मुसीबत को याद कर ले उम्मत मुसलिम के लिए मेरी मौत से बढ़कर और कोई मुसीबत नहीं है मेरी मौत से बढ़कर और कोई मुसीबत नहीं हो सकती नबी करीम ने फरमाया फाइब अल्लाह के नबी का इंतकाल ये सबसे बड़ी मुसीबत है जो मत मुस्लिमा को आई है आप जाती तौर पे क्यों ना हो मैं जाती तौर पे क्यों ना हो हमारे करीबी से करीबी का इंतकाल क्यों ना हो गया हो उससे बढ़कर हमें अल्लाह के नबी के इंतकाल पर अल्लाह के नबी के इस दुनिया से चले जाने पर तकलीफ़ होनी चाहिए तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए और जब वो महसूस करें तो हमारे अपनों का इंतकाल बिल्कुल हमें हल्का लगेगा क्योंकि अल्लाह के नबी के इंतकाल से आसमान से वो रिश्ता टूट गया जो अल्लाह के नबी की मौजूदगी में आसमान से बना हुआ था अल्लाह की तरफ से वही के नजूल का वह सिलसिला कट चुका जो अल्लाह के नबी की जिंदगी भर लगा हुआ था अल्लाह तला की तरफ से रहमतों बरकतों का जो खसूसी नजूल हुआ करता था वह हमसे कट चुका है वमा खान अल्लाहम तफी अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी जब तक आप इस उम्मत में अल्लाह उस उम्मत को अजाब नहीं देगा यह रिश्ता कट चुका है यह ताल्लुक कट चुका है जब यह मुसीबत याद कर लें तो इसके बाद आपको हर मुसीबत हल्की लगेगी आपका हर खोया हुआ शख़्स आपको हल्का लगेगा तो मसद्रीन अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस किसी मुसलमान का इस वबा में इंतकाल हुआ हो अल्लाह ताला उसको उसको उसके हक़ में शहादत बना दे बतौर शहीद अल्लाह ताला कबूल फ़रमा ले उसके गुनाहों की मफ़रत का ज़रिया उसको बनाए और जो भी मौजूद है परेशान हाल हैं बीवी बच्चों की शक्ल में औलाद की शक्ल में माँ बाप की शक्ल में अल्लाह ताला उनको सब्रता फरमाए अल्लाह ताला उनको सुकून नसीब फरमाए अल्लाह ताला उनका बदल उनको नसीब फरमाए अल्लाह उसका बेहतरीन बदला उनको नसीब फ़रमाए अल्लाह तै उनकी मुश्किलों में उनका साथ दे अल्लाह उनके लिए आसानियों का ज़रिया बना दे अल्लाह उनकी बीमारियों से निजात उनको दे उनकी ज़रूरतों का अल्लाह ताल बेहतरीन इंतज़ाम फरमाए अल्लाह ताल उनकी ज़िंदगियों को शरीयत की तरफ़ लौटने वाली ज़िंदगी बनाए आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वल्ला अला नबीना व अला महमद व वबी अजमाइन व आलकम व बरकातहू